हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल धर्मिष्ठा ऑफिशियल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कच्छ में स्थित कोटेश्वर के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो गाइस, मैं आज की वीडियो शुरू करती हूँ। कोटेश्वर गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक प्राचीन बंदरगाह एवं सुप्रसिद्ध यात्रा धाम है। सिंधु नदी और सागर का जहां संगम होता है, इस सागर के तट पर स्थित ये स्थल पवित्र यात्रा धाम नारायण सरोवर से 4 किमी की दूरी पर है स्थित है। कोटेश्वर मंदिर गुजरात के कच्छ से जुड़ने वाली भारतीय सीमा का ये अंतिम स्थान है। यहां से समुद्र में पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान की सीमा का प्रारंभ हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण का संहार करने के बाद प्रभु श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ प्रयागराज होते हुए अयोध्या जा रहे थे। तब प्रयागराज पहुंचने पर भगवान राम ने भादराज मुनि से दर्शन व उनका आशीर्वाद लेने की इच्छा जाहिर की थी, मगर भादराज मुनि ने उनसे मिलने के लिए इनकार कर दिया था। इस पर मुनि का कहना था कि श्री राम पर ब्रह्मा हत्या का दोष है, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था। तब श्री राम ने भादराज मुनि से अपने इस पाप का मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तब मुनि ने श्री राम को 1 करोड़ शिवलिंग की पूजा करने का पश्चाताप करने को कहा था। ऐसे में प्रभु राम ने मुनि को कहा कि अगर किसी दिन धरती पर स्थापित 1 करोड़ शिवलिंग की पूजा ना हुई तो इससे तो ज्यादा पाप लगेगा। तब मुनि ने श्री राम को संदेश दिया कि गंगा तट पर रेत के कण कण में शिव जी का वास है। यहाँ पे कण कण शिवलिंग के बराबर माना जाता है, इसलिए आप इस रेत को इकट्ठा करके शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करें। तब मुनि द्वारा आज्ञा पाकर श्री राम ने ठीक वैसा ही किया। तब से भगवान शिव को समर्पित यह शिवलिंग भक्तों द्वारा कोटेश्वर महादेव से नाम से पुकारा जाने लगा। इस स्थल की शोध प्रसिद्ध चीनी यात्री युआन च्वांग ने की थी। युआन च्वांग के यात्रा वृतांत में जिस ये शिफाली नगर का उल्लेख कच्छ की राजधानी के रूप में हुआ है, संभवत यह कोटेश्वर नामक वर्तमान स्थान ही है। एक समय में कोटेश्वर बड़ा बंदरगाह था, लेकिन आज बंदरगाह नाम शेष हो गया है। इस स्थल पर शिव मंदिर और आशुपत साधु के मठ थे। वर्तमान कोटेश्वर मंदिर के एक शिलालेख के अनुसार ये मंदिर का निर्माण 171 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1877 में हुआ था। प्राचीन मंदिर टूट चुका है। समुद्र तट पर भग्नावशेष आज भी दिखाई पड़ते हैं। वर्तमान काल में कोटेश्वर और नीलकंठ नाम के 2 मंदिर विद्यमान है। नारायण सरोवर में भी एक समय कान फटे साधुओं का प्रभुत्व था, अतः प्राचीन काल में कोटेश्वर भी बड़ा तीर्थ स्थान रहा होगा। महाप्रभु वल्लभाचार्य इस स्थल पर 16वीं शताब्दी में आए थे। यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। यह मंदिर श्रद्धालु द्वारा कोटि तीर्थ के नाम से प्रचलित है। इसके साथ यहाँ के स्थानीय लोग इसे पवित्र स्थल को शिव कुटी पुकारते हैं। कहा जाता है कि कोटि शब्द का अर्थ 1 करोड़ शिवलिंग थे, इसलिए इस स्थल का नाम कोटेश्वर पड़ा है। पहले अनेक शिवलिंग विद्यमान थी, पर समय के साथ वो नष्ट हो गई। समुद्र में भी टूटे हुए शिवलिंग और मंदिर के भग्नावशेष दिखाई देते हैं। रामायण और शिवपुराण में भी इस स्थल का उल्लेख मिलता है। कोटेश्वर में बहुत ही बड़ा समुद्र तट है, वह बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप कच्छ में घूमने आने के लिए सोच रहे हैं तो आप कोटेश्वर मंदिर में जरूर आए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में जो घंटे बटन है उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।